नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम आपको बताएंगे पेपर लगाना सीलिंग फैन के अंदर। और दोस्तों गुरुजी एडवाइस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक सीलिंग फैन है और इसमें हम पेपर लगाना आपको बताएंगे आज। तो देखिए इसके अंदर 14-14 स्लॉट में है, तो इसका पेपर हम काटेंगे। तो इसके अंदर जो पेपर इंस्टॉल होते हैं वो 7 नंबर होते हैं, ठीक है। तो 7 नंबर फिल्म पेपर हम इसमें लगाने वाले हैं। तो देखिए पेपर निकालने का तरीका मैं बता देता हूँ कि आपको पेपर ले लेना है और पेपर लेके आपको इसके अंदर डालना है, स्लॉट के अंदर डालना है। स्लॉट में डालने के बाद जो पेपर ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं ये इसके फिट हो जाना चाहिए, ये इसके ऊपर भी फिट होना चाहिए, पेपर इसके अंदर अंदर फिट होना चाहिए और बाहर थोड़ा थोड़ा बाहर निकला होना चाहिए, ठीक है। तो इसका पेपर काटने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। पेपर को ऐसे पकड़िए, ऐसे काटिए, राइट, बिल्कुल सीधा काटना है इस तरह से, और ऐसे कट कर लेना है, बिल्कुल ऐसे कट कर लेना। कट करने के बाद इसमें डाल के देखिए कि पेपर डलता है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए हमारा पेपर जो है वहाँ पर डल चुका है, ठीक है। ऊपर की तरफ ज़्यादा टाइट, ऊपर की ज़्यादा ऊपर भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नीचे भी नहीं होना चाहिए, नीचे रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी। और आप यहाँ से साइड से देखेंगे तो ऊपर की तरफ थोड़ा सा निकला होना चाहिए और थोड़ा सा, ठीक है, ऊपर और दोनों साइड निकला होना चाहिए, ऊपर भी नीचे भी, राइट, इस तरह से। तो ये हमारे पेपर का साइज है, अब इसी साइज़ के हम पेपर काट लेते हैं। तो ये हमारा साइज है, तो इसी साइज के पेपर हमको काटने हैं जो कि आराम से हम डालें और वो आराम से लग जाए। तो इसको काटने का तरीका है, एक पेपर इस तरह से ले लीजिए, जैसा मेरे पास एक पेपर का टुकड़ा है, ठीक है, काट लीजिए लाइन से और इसमें लगा लीजिए बिल्कुल ऐसे, और इसके बराबर काटना है जो हमने पहले कागज बनाया था उसके बराबर काटना है ऐसे। तो ये पेपर का एक साइज निकाल लेना सबसे पहले और फिर उसमें डालते जाना है, तो ये बिल्कुल आराम से डलता जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसी तरह से पेपर काटने हैं सारे के सारे। तो पहले स्टार्टिंग में वाइंडिंग करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में पेपर लगाते हैं। तो 14-14 स्लॉट का है तो 14 पेपर हमको स्टार्टिंग के लिए काटने होंगे दोस्तों, तो स्टार्टिंग के लिए काटने होंगे। तो इस तरह से पेपर लगाते जाइए, काटते जाइए और लगाते जाइए, बड़ी बिल्कुल ही सिंपल है। एक साइज आपको निकालना होगा, तो साइज निकालना बहुत ही आसान है इसका, जैसा मैंने बताया उसी तरह साइज निकालना है। तो ऐसे साइज करते जाइए, ऐसे ऐसे पेपर इसमें फिट होते चले जाएंगे, ठीक है। तो पहले स्टार्टिंग में पेपर लगते हैं, बाद में लगते हैं रनिंग में, तो क्योंकि पहले स्टार्टिंग की वाइंडिंग की जाती है। उसकी वाइंडिंग कैसे करते हैं इस पर वीडियो लेके आएंगे हम। तो देखिए यहाँ पे हम पेपर लगा रहे हैं, इस तरह से लगा सकते हैं आप पेपर, तो सारे पेपर इस तरह से काटने हैं, सभी पेपर बराबर होने चाहिए, फिक्स होने चाहिए, तभी अच्छे से सेट होंगे। तो ये पेपर देखिए थोड़ा सा बड़ा कटा है, तो हम इसको फिक्स कर लेते हैं, क्योंकि अगर बड़े पेपर हैं तो दिक्कत होंगे, डाई में टच होंगे और फिर ही मुड़ जाएंगे और मुड़ने के बाद दिक्कत क्रिएट होगी। तो पेपर बराबर होने चाहिए सारे के सारे, कोई पेपर बड़ा नहीं होना चाहिए एक भी, तो सभी पेपर बिल्कुल बराबर होने चाहिए, राइट। इस तरीके से आपको सभी पेपर जो है लगा लीजिए सेम तरीके से, ठीक है। एक साइज रखना है अपने हाथ में, और इसी साइज का काटते रहिए, उसी साइज का काटते रहिए आप, एक साइज जो है उसी के हिसाब से काट लीजिए सारे। तो फिर लगाइए उसको, ऐसे पकड़ना, ऐसे मोड़ना है, उल्टा सीधा कैसे भी मोड़ो और ऐसे इसमें स्लॉट में डाल दो, ठीक है। बड़ा ही सिंपल है, कोई भी कर सकता है, एक बच्चा भी कर सकता है, उसको अच्छे से बता दिया तो कोई बच्चा भी कर सकता है, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। ठीक है दोस्तों, इस तरह से
तो आपको साइज हाथ में रखना है हमेशा, और उसी साइज का आपको पेपर काटना, बिल्कुल फिक्स पेपर होना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा बड़ा छोटा हो सकता है, फिक्स नहीं काटा तो इस तरह से लगाना सारे पेपर। तो दोस्तों सभी पेपर ना एक तरीके से काट लेने हैं, और इस फैन में पहले स्टार्टिंग में पेपर लगते हैं, चीज ध्यान रखिए, रनिंग में बाद में लगते हैं, पहले स्टार्टिंग में भी नीचे के ही पेपर लगेंगे, फिर वाइंडिंग होने के बाद क्या होगा कि ऊपर के पेपर लगेंगे। तो इस तरह से पेपर लगा लेने, पकड़ना है, मोड़ना है और डाल देना है, बिल्कुल सिंपल है, इजी आसान है इस तरह से। तो देखिए आप सारे पेपर देख लीजिए एक बार, तो अच्छे से पेपर लग गए, राइट, सारे पेपर अच्छे से लग गए। अब यहाँ से देखिए कितना कितना बाहर निकाल रहा हूँ, वो चीज़ देखिए, तो यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि थोड़े थोड़े पेपर बाहर निकालने, बिल्कुल थोड़े थोड़े, और ये ज़रूरी है, ठीक है, इतने इतने थोड़े थोड़े पेपर अब सबको बराबर कर लीजिए, और बराबर करने के बाद इसको उंगली से ऐसे दबा देना, ये जो सिरा देख रहे हैं आप, ये जो सिरा है इसको ऐसे ऐसे दबाना है, राइट, इस तरफ दबाना है, इस वाले सिरे को इस तरफ दबाना है, तो इससे पेपर जो है बाहर नहीं निकलेगा और डाई में भी टच नहीं होगा। तो ये आप करना है सर, बस पेपर डल गए हैं, ऊपर के पेपर हम बाद में आपको बताएंगे, फाइंडिंग एक वाइंडिंग करने के उसके बाद।